हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड। बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दैट वी कैन से सीईटी का जो पेपर लगा है आज, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जुलाई 10 जुलाई 2021 मींस आज जो पेपर लगा है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर लिखने थे। उसके अंदर सबसे पहला यहाँ पर था डिफाइन कम्युनिकेशन। इसके अंदर दो नंबर का क्वेश्चन था, तो इसके अंदर आपको कम से कम 2 से 3 डेफिनेशन यहाँ पर कम्युनिकेशन की लिखनी थी। देन उसके बाद पूछा यहाँ पर डिस्कस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से बैरियर्स है, ऐसी कौन से बाधाएँ हैं जो आती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो यहाँ पर 6 नंबर के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ऐसी कौन कौन सी बाधाएँ हैं आती है, वो यहाँ पर आपको लिखना था। वहीं अगर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस के मेथड कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करना था। 8 नंबर का ये शॉर्ट नोट था। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अगेन शॉर्ट नोट्स, जिसके अंदर डिफाइन एवीएट्स। एवीएट्स क्या होते हैं, यहाँ पर एवीएट्स के बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी थी। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एवीएट्स। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन लिखना था एवीएट्स का। 6 नंबर के अंदर पूछा गया, तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन लिख के और उन्हें थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस भी करना था, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ एवीएट्स। एवीएट्स के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं ऑडियो विजुअल एड्स के, उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना था। 8 नंबर का ये पूछा गया। नेक्स्ट अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है थर्ड, यहाँ पर आपको डिफाइन गाइडेंस। गाइडेंस क्या होती है, यहाँ पर इसकी 2 से 3 डेफिनेशन आपको गाइडेंस की लिखनी थी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहाँ पर दोनों साइड, एक तरफ गाइडेंस और एक तरफ काउंसलिंग लिख के दोनों के अंदर आपको डिफरेंस लिखने थे। वहीं इसके अंदर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसिल इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या महत्व है, वो यहाँ पर आपको लिखना था। यहाँ पर सेपरेट गाइडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में, और काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में, वो यहाँ पर आपको लिखना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स अगेन। शॉर्ट नोट्स के अंदर डिफाइन एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, 2 नंबर का यहाँ पर डेफिनेशन पूछा गया है, जिसके अंदर आपको कम से कम 2 से 3 डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी थी एजुकेशन की। नेक्स्ट इसके अंदर पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कौन कौन से सिद्धांत है, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना था। 6 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। वहीं इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है, ये यहाँ पर अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आज तक कभी नहीं पूछा गया, नेचुरलिज्म क्या होता है, तो यहाँ पर आपके 8 नंबर का ये पूछा गया। नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की बात करें, काफ़ी शॉर्ट नोट्स पूछे गए इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है, इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर ऐड नहीं है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की बात करिएगा, फर्स्ट है यहाँ पर जौहरी विंडो, जो कि हर बार पूछा जाता है। जौहरी विंडो क्या होती है, 4 नंबर के अंदर पूछा गया। यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, बहुत ही ईजी, नर्सिंग के अंदर कंप्यूटर का क्या यूजेज है, वो यहाँ पर लिखना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। बैरियर्स ऑफ IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन से बैरियर्स है, जो कि यहाँ पर बाधाएं डालते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा गया। नेक्स्ट इसके अंदर एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कौन कौन से एम्स है, वो यहाँ पर आपको लिखने थे, ये भी 4 नंबर का यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको करने थे। फील्ड ट्रिप क्या होता है, बेड साइड क्लिनिक क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, या प्रेगमेटिज्म क्या होता है, और वर्कशॉप क्या होता है, तो ये यहाँ पर 4 नंबर के 5 शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। इसके अंदर से आपको 4 शॉर्ट नोट्स यहाँ पर करने थे, तो नंबर ऑफ
छः क्वेश्चन है, छः के अंदर से आपको पांच क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने थे। बहुत ही इजी पेपर, ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको पूछे गए हैं, बहुत ही इजी पेपर है। तो ये आपका सॉल्यूशन था। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर करिएगा और अपना इवेल्युएशन ज़रूर कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपने क्या लिखा है। ओके, थैंक यू सो मच।